नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर टेक्निकल शर्मा जी। दोस्तों आज जो है वीडियो में जानेंगे कि कैसे इंस्टाग्राम के अकाउंट को डिलीट करेंगे। सबसे पहले आपको अपना इंस्टा अकाउंट खोल लेना है, उसके बाद जो है राइट साइड बॉटम में देखेंगे आपका प्रोफाइल आइकन दिख रहा होगा, उसके ऊपर जो है आपको क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों प्रोफाइल आइकन पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। कुछ इस तरीके का जो है आपको प्रोफाइल का इंटरफेस दिखेगा। ऊपर में देखेंगे तो 3 लाइन आपको दिख रहे होंगे राइट टॉप अपर कॉर्नर पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस पॉपअप आपके सामने विजिबल होगा, जिसमें सबसे ऊपर में सेटिंग लिखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सेटिंग्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों नीचे देखेंगे तो आपको जो है एक अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा। लिस्ट में जो है आपको सबसे नीचे से तीसरे नंबर के सेक्शन अकाउंट में चले जाना है। जैसे ही अकाउंट सेक्शन में चले जाते हैं, सबसे नीचे आप देखेंगे दोस्तों तो नीचे जो है डिलीट अकाउंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों डिलीट अकाउंट के ऑप्शन पे हम चले जाते हैं। जैसे ही दोस्तों इस पर आप क्लिक करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डीएक्टिवेट अकाउंट और दूसरा है डिलीट अकाउंट। दोस्तों आप जो है डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं टेम्प्रोरी, कुछ समय के लिए। आप जब चाहें तब तो आप अपना प्रोफाइल जो है रिकवर कर सकते हैं, उसमें सारे फोटो कमेंट्स आपके जो भी डेटा है वो जो है रहेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है डिलीट अगर आप अकाउंट कर देते हैं तो उसमें जो है आपके प्रोफाइल के सारे फोटोज, वीडियोस, कमेंट्स, लाइक्स, फॉलोवर्स जो हैं वो सारे के सारे परमानेंटली चले जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो आपको जो है यहाँ पे अगर आपको डीएक्टिवेट करना है कुछ समय के लिए तो आप ब्रेक ले सकते हैं डीएक्टिवेट अकाउंट पे जा करके, अदरवाइज जो है आपको डिलीट अकाउंट के ऑप्शन पे चले जाना है। तो मुझे जो है अकाउंट परमानेंटली डिलीट करना है, तो मैं जो है डिलीट अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों डिलीट अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही दोस्तों डिलीट अकाउंट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको लिखे हुए आ जाएंगे। जैसे कि लिखा हुआ है कि आप जो है अपने अकाउंट को जो डिलीट करना चाह रहे हैं, आप जो है आप 30 दिन के भीतर भीतर जो है आप आराम से इस डिलीशन प्रोसेस को आप जो है रोक सकते हैं, आप जो है फिर से लॉगिन हो सकते हैं। क्योंकि आप जो है थोड़ा सा प्रेशर में आकर के या फिर जो है बिना सोचे समझे अपने अकाउंट को डिलीट कर देते हैं, बाद में सोचते हैं कि काश मेरा जो है अकाउंट अभी मैं रिकवर कर पाता। तो आपको जो है रिकवरी का जो है यहाँ पर टाइम दिया जाता है, 30 दिन का टाइम दिया जाता है। आप 30 दिन के भीतर भीतर जो है या फिर जो भी डेडलाइन होती है आपके अकाउंट के रिकवरी की, वो जो है यहाँ पे लिख दिया जाता है। जैसे कि इस केस में जो है 16 दिसंबर 2022 लिखा हुआ है, तो मैं चाहूँ तो 16 दिसंबर 2022 से पहले कभी भी अब जो है इस अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो मेरा जो है अकाउंट एक्सेस हो जाएगा और वापस से डिलीशन जो यहाँ पे रिक्वेस्ट वो हट जाएगा। तो और अगर आप जो है डिलीशन जो है प्रोसेस नहीं हटाना चाहते हैं तो आप जो है इस अकाउंट को कभी एक्सेस करने की कोशिश मत कीजिएगा 1 महीने तक, तो आपको जो है अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो ये जो है टाइम आपको प्रॉपर मिल जाता है कि आप कुछ समय तक वेट कर लीजिए, आप जो है कभी भी बीच में लॉगिन बैक करके आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों कंटिन्यू डिलीटिंग अकाउंट के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है नीचे, क्योंकि मुझे जो है परमानेंटली इसको डिलीट करना है। देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस हो गया है। प्रोसेस होने के बाद जो है मुझसे लास्ट यहाँ पे जो है कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको जो है पूछ रहा है, जैसे कि आप अपने अकाउंट को डिलीट क्यों करना चाहते हैं। नीचे जो है ड्रॉप डाउन के ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसमें जो है हमें कई सारे जो है यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कि ये जो है प्राइवेसी कंसर्न है आपका, ये आपका खुद का जो है कंसर्न है, या फिर आप जो है बहुत ज़्यादा ऐड की वजह से परेशान हैं, या जो है दोस्तों आपके पास कोई दूसरा अकाउंट है, या तो आपका जो अकाउंट है वो थोड़ा सा ट्रेवल होता है स्टार्ट करने में, या फिर आप जो है कुछ रिमूव करना चाहते हैं, या आप काफ़ी ज़्यादा इसमें बिजी रहने लगे हैं, या तो दोस्तों आपको जो है लोग खोज नहीं पा रहे हैं कुछ इधर की वजह से, और दोस्तों फाइनली जो है समथिंग एल्स का भी ऑप्शन है, आप इससे क्लिक करके अपने प्रॉब्लम को जाहिर कर सकते हैं। इनमें से किसी भी ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और दोस्तों यहाँ पे जो है आप डेटा फिल करके आप जो है फाइनली अपने अकाउंट को डिलीशन प्रोसेस को जो है आप आगे बढ़ा सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें जो है कोई भी एक ऑप्शन मैं भी चुन लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो है मैं तीसरा ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ, क्रिएटेड और सेकेंड अकाउंट। मेरे पास जो है दूसरा अकाउंट है इंस्टाग्राम का, तो इसलिए जो है मैं अकाउंट कम करना चाहता हूँ, तो मैं जो है यहाँ पे क्रिएटेड और सेकेंड अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। हाँ दोस्तों नीचे जो है आपको आपके इंस्टाग्राम अकाउंट का पासवर्ड इंटर करने के लिए बोलेगा, ताकि वो जो है खुद वेरीफाई कर सके आपको अपने रजिस्टर्ड डेटा के बेस पे कि आप जो है लेजिटमेट आप जो है यूज़र हैं। नीचे जो है डिलीट आपके जो है प्रोफाइल का नाम लिखा हुआ आ जाएगा, आप जो अपने प्रोफाइल को
नीचे दिए गए बटन के क्लिक करने के बाद जो है डिलीट कर सकते हैं, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। और जो नीचे 16 दिसंबर का जो डेट है, इस डेट को जो है आपका अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। उससे पहले जो है आपके अकाउंट जो है वो हिडन होंगे। देख सकते हैं कि वो जो मेरा अकाउंट था लाइफलाइन शर्मा जी, वो डिलीट हो चुका है। और मेरा जो है आईफोन स्लोमोग्राफी जो अदर चैनल है, वो जो है अब मेरे सामने आ चुका है। लिस्ट में भी देख सकते हैं, तो केवल अब मेरे जो है दो प्रोफाइल ही हैं। तो इस तरीके से जो है आप अपने अकाउंट को डिलीट कर सकते हैं परमानेंटली। आई होप सो कि आपको जो है मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सारे जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए जो है वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन होंगे। तो ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिस्टर टेक्निकल शर्मा जी, नीचे जो है सब्सक्राइब का बटन है, प्रेस जरूर कर दे जाने से पहले, ताकि जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।